दावेदार है तेरे। सुबह तो बहुत सारे देखे लेकिन इतनी हसी सुबह कभी नहीं। किस्मत तो देखो मेरी, फिर से गलती से सही जगह पहुंच गया। कई बार गलती जानलेवा साबित होती है। मुर्तजा को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। दिल को जी अपने दिल को जरा संभाल कर रखो और एक बात कान खोल कर सुनो। मैं वो हूं जिसने तुम्हें ये शक्ल दी, तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकती हूं। तो तुम जरा अपनी हद में रहो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती से सब कुछ तबाह हो सकता है। तुम चेहरा बदल सकती हो लेकिन फितरत नहीं। मुर्तजा अपने दिल का मालिक है, तुम दिल संभालो। मैं काम संभालूंगा। क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा बिना किसी को अपनी ये शक्ल दिखाए हुए। ईद मुबारक तौफीक। आ गया चिलगोजा। ईद मुबारक। ईद मुबारक शादी है। साथ में आप कल रात आप बार में क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, इनफैक्ट मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे मिल नहीं रहे थे।
मैं तो यही भी था घर पे। आप घर पर थे, आपके कहने का मतलब है कि मैंने आपको बार में नहीं देखा। और नई सनम ने आपको बेहोशी की हालत में, मतलब वो आपको घर नहीं लेकर आई थी? आई रियली डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट मिस्टर इब्राहिम। आई थिंक इस सनम को मिलने की खुशी में आप पूरी रात जागते हुए सपने देख रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं आदमिया? एनीवे आज ईद है, अप्रैल फूल्स डे नहीं। शायद कल रात की बात से इस तरह क्यों मुकर रहा है? ईद मुबारक आपको भी। कहीं शायद कल रात के अपने रवैये की वजह से शर्मिंदा तो नहीं महसूस कर रहे? आपकी ईद। अल्लाह, मैं पूरे साल ईद का इंतजार करती हूँ इसी ईदी के तोहफे के लिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक लतीफ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी ईदी। आज शाम को ईद का जश्न है, आपको आपकी ईदी जरूर मिलेगी। मतलब मुझे अपनी ईदी के लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा? जन्नत, आपने इतने दिन इंतजार किए हैं, बस थोड़ी देर और। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपकी इन चूड़ियों ने बचा लिया आपको। आपने इतने प्यार से मुझे दिलाई। तो मैं अपनी ईदी का पहला तोहफा इन चूड़ियों को समझ लेती हूँ। प्लीज बैंगल सेलेक्ट करें, मुझे बताइए मैं कल के लिए क्या पहनूं। जन्नत, सारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी है, आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए। आई एम नॉट रियली श्योर। मैंने कब दिए चूड़ियाँ? याददाश्त किसकी गई? मेरी। आप क्यों चीजें भूल रहे हैं? ना सिर्फ दिलाई बल्कि आपने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। शायद आई रियली डोंट रिमेम्बर। शायद कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फोटोग्राफ्स। अब याद आया? ये आदमी कौन है? क्या? शायद एक मिनट, प्लीज मुझे ऑनेस्टली बताइए, आपने ईद की खुशी में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? ये आदमी ओके, अगर ये शायद नहीं है ना तो ये जन्नत नहीं है। ये मेरा हमशक्ल कौन है? एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी न कोई मिसाल है न कोई निशानी। केलॉग्स प्रेजेंट्स एक था राजा एक थी रानी, को पावर्ड बाय केंटारो। 27 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे जी टीवी पर। अल्लाह अल्लाह, शुक्रिया है बाबा, ईद मुबारक। भाईजान, मेरी ईदी। ये तुम्हारे निकाह के बाद तुम्हारी पहली ईद है, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियां दे।
ये तुम्हारे लिए। मेरी ईदी तो अल्लाह ने मुझे बचपन में ही दे दी थी, आपके जैसे भाईजान देखे। अल्लाह करे आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। एक बहन की दुआएं तो है जिसकी वजह से मुझे सारी खुशियां मिलने वाली। नाजिया बिल्कुल सही कह रही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। अरे बिना गले लगे कैसी ईद मुबारक। शाद से मोहब्बत कर। हाँ, करती हूँ लेकिन कुछ कमी है। वैसी मोहब्बत नहीं है जो जिंदगी बदल देती है। वो देखो टूटता हुआ तारा। फिर भी तो होता है ऐसा।
I love you, Sanam. I love you, Sanam. I love you, Sanam. I love you, Sanam. Excuse me. मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है। मुर्तुजा के सामने दो दो हसीना है। क्या ईदी है? नहीं सुनो, तुमने कमाल कर दिया। ये तो हूबहू शाद है। इसकी शक्ल सिर्फ शाद से मिलती है। हरकतें देखिए। हाँ, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। इससे पहले कि मैं इसे शाद बनाकर उस जगह भेजूं, ये हूबहू शाद बन चुका होगा। शक्ल से भी और अपनी हरकतों से भी। ये लो सीडी, ये शाद की सीडी। इसे अच्छी तरीके से देख लो। उसके चलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ तुम अपने दिल में उतार लो, समझे? वो कोई हसीना है क्या कि मुर्तुजा उसे अपने दिल में उतार ले? मुर्तुजा, तुम्हें कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने जो कहा बस वही करो। एक एक बात दिल में उतार लो, खास तौर से इसके कपड़े पहनने का ढंग। मुर्तुजा के कपड़े में क्या खराबी? क्या खराबी है? क्या खराबी है? मुर्तुजा के लाल जूते, जल्दी चलो। कौन से जूते मुर्तुजा? किस जूते की बात कर रहे हो तुम? उसी घर में छोड़ के आए। मुर्तुजा, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मर्जीना, दावेदार है तेरे, लेकिन जंगल में सिर्फ एक ही ऊंची आवाज होती है और वो है शेर की। कौन सी बड़ी आफत आ गई अगर मुर्तुजा अपने जूते भूल गया तो? जब FBI एक बाल भी बाका नहीं कर पाए मुर्तुजा का, तो ये हिंदुस्तानी पुलिस क्या है? खेल में अपने दुश्मन को ना अपने से कम समझना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, समझो तुम? एक गलती, बस एक गलती, और हमारा सारा खेल ना रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल के निकल जाएगा, समझे तुम? इससे पहले कि वो जूते किसी और के हाथ में लगे, मैं उन्हें जाके ठिकाने लगा देती हूँ।